लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए चालान किए जाएंगे। सेफ सिटी के कैमरों की मदद भी हासिल होगी। चालान अब घर भिजवाए जाएंगे। तफसीलात रियाज अहमद की रिपोर्ट में देखिए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के आदि अफराद के लिए बुरी खबर। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों का ताकुब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होगा। सेफ सिटी कैमरों में सॉफ्टवेयर के जरिए वायलेशन करने वालों के चालान उनके घरों में भिजवाए जाएंगे। AI, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले, दुराने ड्राइविंग मोबाइल इस्तेमाल, वन व्हीलिंग, गलत पार्किंग और बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने वालों समेत दीगर वायलेशन की निशानदेही करेगा। वायलेशन को डिटेक्ट करें और उसके अगेंस्ट चालान इशू करें। फाइन अमाउंट वही रहेगी जो ट्रैफिक पुलिस की है, जो कानून के मुताबिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेलमेट की वायलेशन पे 2000 रुपया चलान है तो वो 2000 रुपया ही रहेगा एज पर द लॉ। ट्रैफिक वायलेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए निशानदही का मकसद लाहौर की ट्रैफिक को बेहतर और बैन अल-अक़वामी अंदाज में चलाना है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत का ये एहसन इकदाम है, इससे न सिर्फ ट्रैफिक हादसा की रोकथाम होगी बल्कि लोगों में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी का शऊर भी उजागर होगा। चाहिए कि थोड़ा सा ना प्रेस किया करें, हेलमेट लेके रखें, सीट बेल्ट बांध के रखें। बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन चलान होने शुरू हो गए हैं, इससे हम आवाम ज़्यादा सिक्योर रहेगी और एक्सीडेंट्स वगैरह भी कम होंगे। बाहर जाके फॉलो करते हैं तो यहाँ पे भी फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक फाइन को इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि लोग फॉलो करें ज़्यादा। अच्छी बात है, होना चाहिए ये ना, क्योंकि जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो फॉलो करना चाहिए। सेफ सिटी हुकाम का कहना है कि ये सब सेफ सिटी कैमरों से मुमकिन बनाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की 24 में से 19 वायलेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ट्रेस करने का आगाज कर दिया गया है। जल्द बाकी 5 वायलेशन को भी इसी तरह ट्रेस करने पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। रियाज अहमद, आज न्यूज, लाहौर।